ब्रिलियंट, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 मैथ सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सम्स थे आपके पास और जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सम्स थे, इन दोनों का कॉम्बो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, जैसे कि इसमें था, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, है ना। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, या तो मल्टीप्लाई का था या फिर डिवाइड का था, और यहाँ पे भी एक ऑपरेशन था, या तो प्लस का था या माइनस का था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दो दो ऑपरेशन एक साथ आए हुए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेट अस डू। और ये तो बहुत सिंपल इक्वेशंस है एलिमेंट्स की बुक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत अलग अलग टाइप के सम्स है, तो इनको अच्छे से कीजिए और फिर वहाँ से आर डी शर्मा से या इनसे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन 3, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलग तरीके से सम्स खुद करेंगे, उतना ही आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आपका दिमाग का विकास भी होगा, और जो सम्स आप समझ रही हैं उसमें आप महारत भी हासिल कर लोगे, ओके। तो फर्स्ट है 3n-2=46। इधर पहले हमें क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, क्या नए नए रूल्स खोजते हैं, नई नई गलतियां डिस्कवर करते हैं, वो पहले ही 3 को ले जाते हैं इधर। नहीं, पहले आप इस 2 को जो माइनस हो रहा है इसको सोल्व कीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो है उसको सोल्व कीजिए, फिर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको सोल्व करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 2 है, माइनस का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडिंग, अलग टाइप आ गई है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए ज़रा, जो 2 इधर माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों तरफ, अगर प्लस हो रहा होता तो माइनस करते दोनों तरफ सेम उसी नंबर को, या फिर ट्रांसपोजिंग 2 ऑन राइट हैंड साइड, तो फिर 2 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाता, कैसे भी कीजिए। 3n=46, 2 माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया, हमें मिला 48। अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, ठीक है, पहला जो था ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। अब समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, तो दो ऑपरेशन लग गए ना, देख पा रहे हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो n=3n/3, 48/3, 3 से 3 कट गया, 3 16 3 16 3 48 होता है ना, तो 16 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आई, 16 आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ओके। समझ में आया आपको, तो फटाफट से अब आप ये कीजिए, आप कीजिए लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले आपकी तरफ से, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ये अपलोड किए जाएंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, फ़ायदा ले सके, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके समझने के बाद। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, देर सवेर जब भी टाइम मिलता है आपके लिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, ओके। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, सॉल्यूशन बी पार्ट है इसका, 3 का। इसमें है 5m+7, ऊपर वाले में माइनस हो रहा था, इधर वाले में प्लस हो रहा है, 17, सब ट्रैक्टिंग 7, प्लस 7 है तो हम माइनस, मतलब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो 7 यहाँ से गायब होएगा, ऐड कर दिया तो 7 + 7 = 14 बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे सीधे, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। 17 - 7 ये बना 10, तो अब 5m = 10 आ गया, हमें मिल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग की बजाय डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड बताओ, डिवाइडिंग डैश ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे डिवाइड, हाँ जी 5,
तो 5m डिवाइड 5, 10 डिवाइड 5, 5 से 5 कट गया, 5 वन जा 5 टू जार, तो m की वैल्यू आई 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ये 2 की वैल्यू जो है आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके आपका आंसर 17 आना चाहिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखेंगे। अब ज़रा देखिए, मैं इसमें 2 पुट कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्लस 7 17 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सी पार्ट, ट्वेंटी पी बाय में 3 इजगल टू 40, ये क्वेश्चन हो गया। दो ऑपरेशन है इसके अंदर, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का, तो कैसे भी कीजिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग इसका रेसिप्रोकल, ठीक है वो भी चलेगा। तो हम एक ही में कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 3 ऊपर आ गया और 20 वो नीचे आ जाएगा ऑन बोथ साइड्स, जो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एक साथ कुछ मल्टीप्लाई और 20 बाई 3, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ना कि ये 20 बाई 3 मल्टीप्लाई पी है, कह सकते हैं ऐसा। तो फिर 20 बाई 3 का रेसिप्रोकल 3 बाई 20 हमें मल्टीप्लाई करना ऑन बोथ साइड्स, 20 बाई 3 पी मल्टीप्लाई 3 बाई 20 इजगल टू 40, 3 बाई 20, 20 से 20 कट गया, 3 से 3 कट गया, राइट। पी अकेला हो गया, अब 20 वन जा 20, 20 टू जार 40, 2 3 जार 6, पी इजगल टू 6 हमारा आंसर आ गया। शॉर्टकट वैसे हो गया ना, नहीं तो पहले आप क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, आपको मिलता 20 पी इजगल टू 120, फिर आप करते डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर 20 कट के आपका सिर्फ पी बच जाता और इधर 120 बाय में 120 बाय में 20 करते तो 6 आ जाता, फिर तब फिर दो स्टेप करने पड़ते। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, सॉल्यूशन 3 का डी पार्ट, 3p बाय में 10 इजल टू 6, तो 3b बाय 10 इसका मतलब क्या हुआ, 3 बाय 10 मल्टीप्लाइंग पी इजल टू 6, बात एक ही है ना। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाइंग 10 बाय 3, 3 बाय 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 बाय 3, 10 ऊपर 3 नीचे, 10 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 बाय 10 पी मल्टीप्लाई में 10 बाय 3, 6 10 बाय 3, 3 वन जा 3 टू जार, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, पी की वैल्यू क्या आई 20, ये हमारा आंसर हो गया। चेक करना चाहें तो आप चेकिंग कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 3 बाय 10 पी, पी की जगह आ जाएगा 20, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 2 मल्टीप्लाई 3 6, राइट आ गया ना 6 राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो आपका ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये कर लिया, होप सो आपको 6 समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। तो थर्ड के दो पार्ट, अभी एक पार्ट देख लीजिए, थर्ड का ए पार्ट, ये थर्ड का बी पार्ट, थर्ड सी एंड डी दोनों पार्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, बाय।